डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई शेखुल हदीस बनता है, कोई साइंसदान बनता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को शौक उठा नबी बनने का, और इनका शौक क्या है? अल्लाह बनाने का, कहते हैं। और इसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहरिक हो जाना चाहिए कि जिक्र करने वाला खुद अल्लाह बन जाए। नाउज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप ये हवाला कैमरे की आंख से भी देख सकते हैं और ये दारुल इशा से किताब छपी हुई है। और इसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहरिक हो जाना चाहिए कि खुद मजकूर यानी अल्लाह हो जाए। और फना दर फना के यही माना है, इस हालत के हासिल हो जाने पर वो सरापा नूर हो जाएगा। ये अल्लाह बनने का एक तरीका है। हू का चिंता आप करें, वो तरीका जो बंदियों ने कुलियाते इमदादिया में लिखा हुआ है अल्लाह बनने का तरीका। और ये जो ब्रैकेट में अल्फाज है, ये हाजी इमदादुल्लाह जनाब महाजर मक्की साहब के ही लिखे हुए हैं। सामईन, आपने उमर सिद्दीक साहब की ज़ुबानी हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ात को सुना। उमर सिद्दीक साहब गैर मुकल्लिद फरमाते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को शौक़ उठा नबी बनने का और इनका शौक़ है अल्लाह बनाने का। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये उमर सिद्दीक साहब की सरासर जहालत है जो इंशाअल्लाह आप पर आगे खुल जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मानने वाले तो उसको नबी मानते हैं। हम उमर सिद्दीक साहब से सवाल करते हैं कि क्या कोई देवबंदी या हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह खलीफा या देवबंद के अकाबिर या देवबंद के उलमा इस बात को मानते हैं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनके अकाबिर अल्लाह बन गए। हम ये बात जानते हैं कि उमर सिद्दीक साहब और उनके हवारीन का दिल यह गवाही ज़रूर देता होगा कि हम इन पर यह जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर गप है और सरासर गलत है। बाकी हम उनके हवारीन को खुद हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी ही जवाब दे देते हैं। तारीख़ मशायख चिश्त है मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 59 पर हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपना बंदा नहीं बनाना चाहता बल्कि खुदा का बंदा बनाना चाहता हूँ। उमर सिद्दीक साहब गौर से सुनिए, आप तो कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह बनाने की दावत दे रहे हैं, ठीक है, इनका शौक़ है अल्लाह बनाने का। हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खुदा का बंदा बनाना चाहता हूँ, यानी खुदा नहीं बनाना चाहते बल्कि खुदा का बंदा बनाना चाहता हूँ। उमर सिद्दीक साहब एक मरतबा फिर से गौर से सुन लीजिए और उनके हवारीन भी सुन लें कि हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा का बंदा बनाना लोगों को चाहता हूँ, खुदा नहीं बनाना चाहता। तो ये उमर सिद्दीक साहब का सरासर उन पर इल्ज़ाम था। आइए उमर सिद्दीक साहब का सरीह और साफ झूठ सामिन हम आपके सामने पेश करते हैं। उमर सिद्दीक साहब फरमाते हैं कि कुलियाती इमदादिया में जो ये बात है, यानी वहाँ पर जो लिखा हुआ, यानी अल्लाह, जैसा कि उमर सिद्दीक साहब ने स्कैन में पेश किया है, कहते हैं ये हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है। दोस्तों, ये उमर सिद्दीक साहब का सरीह और साफ झूठ है जो हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह पर उन्होंने लगाया है। हम ये जानते हैं कि उमर सिद्दीक साहब ने या तो जहालत की बुनियाद पर यह कही या कम इल्मी की बुनियाद पर या ज़िद और तअस्सुब की बुनियाद पर यह बात कही, क्योंकि ये बात सभी को मालूम है कि हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउल क़ुलूब जिसके हवाले से इबारत पेश कर रहे हैं, क्योंकि कुलियाते इमदादिया मुख्तलिफ़ किताबों का मजमूआ है जो एक जगह जमा किया गया, उसमें जो किताब है ज़ियाउल क़ुलूब उसके हवाले से ये पढ़ रहे हैं, ये हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह ने फारसी ज़ुबान में लिखी है, फारसी लैंग्वेज में लिखी है। सामीन एक मरतबा फिर से सुन लें कि इस किताब को उन्होंने फारसी ज़ुबान में लिखा है, और फारसी ज़ुबान में यानी अल्लाह कहीं नहीं लिखा हुआ, आगे आप स्कैन देख सकते हैं। हम आपके सामने ये बात जाहिर कर दें कि उमर सिद्दीक साहब
अगर आप हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हालात ही किसी किताब में पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि ये फारसी ज़ुबान में लिखी गई। आइए ज़रा हम उनके हालात एक किताब से बयान करते हैं। किताब का नाम है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी रिश्ते, सैयद नफीस हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। सफ़ा नंबर 120 पर उनकी तसनीफ़ात के बारे में लिखते हैं कि ज़ियाउल क़ुलूब फ़ारसी सन 1282 हिजरी। अब सामिन किराम, उन्होंने उर्दू ज़बान में क्यों पढ़कर सुनाया, हम इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जो ज़ियाउल क़ुलूब फ़ारसी में लिखी थी उसमें यानी अल्लाह कहीं पे भी उस इबारत में मौजूद नहीं। हम इबारत पढ़कर सुना देते हैं फ़ारसी में, वहाँ पर यह है मशगूल शवद बेज़िक्र गर्दद। जुमला क्या है, मशगूल शवद बेज़िक्र गर्दद, आप इसके आगे देख सकते हैं और तर्जुमा भी। यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ यानी अल्लाह। इससे पता चला आपको कि इन्होंने हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह पर सरासर झूठ बोला है। लेकिन आपको ये इश्काल पैदा होगा कि भाई उमर सिद्दीक साहब तो ज़ियाउल क़ुलूब यानी कुलियात इमदादिया में जो रिसाला जो किताब है ज़ियाउल क़ुलूब उसी को दिखा रहे हैं। तो सामईन कराम, वो असल में उर्दू तर्जुमा है, फ़ारसी किताब नहीं है। फ़ारसी में जो ज़ियाउल क़ुलूब लिखी गई वो पेश नहीं कर रहे बल्कि उर्दू तर्जुमा पेश कर रहे हैं। अब उर्दू तर्जुमा वाले ने ये बात इजाफी अपनी तरफ से की है, यानी अल्लाह ये जो जुमला है ये उसका अपना इजाफा है। और ताज्जुब की बात यह है कि उमर सिद्दीक साहब को चाहिए ये था कि फ़ारसी की इबारत पढ़ते फिर एतराज़ करते। बाकी ये है कि ज़ियाउल क़ुलूब का उर्दू तर्जुमा करने वाला का भी अता पता नहीं कि कौन पर्सनैलिटी कौन शख्सियत है। ज़ियाउल क़ुलूब, आप जो अलग से ज़ियाउल क़ुलूब किताब है जो उर्दू तर्जुमा मौजूद है वहाँ पर फ्रंट पेज देख लें, आखिरी पेज देख लें, आपको उर्दू तर्जुमा करने वाला कौन है आपको नहीं मिलेगा। असल में ये उर्दू तर्जुमा में इजाफी है उर्दू तर्जुमा करने वाले का, ये जुमला जो इजाफी है यानी अल्लाह, ये इजाफी है उर्दू तर्जुमा करने वाले का। और उर्दू तर्जुमा करने वाले का अता पता ही नहीं कौन है। उमर सिद्दीक साहब, आप इतना बड़ा एतराज़ करने चले थे, कम से कम ज़ियाउल क़ुलूब फ़ारसी की इबारत पढ़कर फिर एतराज़ करते। और इंशाल्लाह आपके सामने विद स्कैन आएगा कि फ़ारसी की इबारत क्या है और उस उर्दू का तर्जुमा क्या है। असल में उमर सिद्दीक साहब और उन जैसे हवारीन का काम यह होता है कि उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं से धोखा दिया जाए। और यहाँ पर यही इन्होंने धोखा देने की कोशिश की है सामीन को और भोली भाली आवाम को कि शायद लोग ये समझें कि कुलियात इमदादिया जो हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ किताबों का मजमूआ है, उसमें एक किताब ज़ियाउल क़ुलूब है, शायद उन्होंने उर्दू में लिखी है, ये धोखा देने की कोशिश की है। और साथ में उन्होंने एक सरी झूठ इजाफी तौर पर ये कर दिया यानी अल्लाह जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह खास से, जबकि हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फ़ारसी में लिखा। ये कोई नई बात नहीं, इस तरह के शगुफे और शोशे छोड़ना इनकी आदत शरीफा है और उनके हवारी इनकी। बतौर मिसाल मैं पेश करता हूँ, रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हैं, एक मकतूब लिखते हैं हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वो मकातिब रशीदिया में छपा हुआ है और वहाँ पर सराहतन लिखा हुआ है जो मैं है वो तू है। लेकिन कभी भी मकातिब रशीदिया के हवाले से गैर मुकल्लिद एतराज़ नहीं करेगा, एतराज़ भी करेगा तो फजाइल आमाल के हवाले से जहाँ पर गलती से छप गया है के बजाय हूँ। अच्छा, अगर मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से इतनी ज़्यादा ही शदीद आपको मोहब्बत थी तो भाई हाजी मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ मशाइख चिश्त लिखी है, उसमें भी वो मकतूब मौजूद है, उस मकतूब में सही उन्होंने लिखा है जो मैं है वो तू है। अच्छा चलिए, इसका हवाला अगर आप नहीं देते
तो कम से कम आप जो है इमदादुल सुलूक का मुकदमा मना करिए, हम तो लिखा है वहां पे भी यही मकतूब लिखा है, कभी उसका हवाला नहीं देते। वजह क्या है? ना रशीम गबूली रहमतुल्लाह ने जो मकतूब लिखा चाहिए तो उसका हवाला देते, वो कभी नहीं देंगे। देंगे जहां गलती से है के बजाय हूं हो गया है, जबकि बहुत सी जगहों पर उसकी तस्दीक कर ली गई, लेकिन भोली भाली आवाम को धोखा देने के लिए ऐसी जगहों पर से शोशे छोड़ने की कोशिश करते हैं जहां इनको इनको मौका मिले। वरना मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने जब तारीख मशाइख के चिश्त में वही मकतूब लिखा वह उसके हवाले से पेश करते, जो मैं है वो तू है, या मौलाना ज़करिया हम तो इमदादुल सुलूक के मुकदमे में लिखा है जो मैं है वो तू है, वहाँ से पेश करते, वहाँ से कभी भी पेश नहीं करते। वजह क्या है? भोली भाली आवाम को धोखा दे सके। यही बात इन्होंने की है कि फारसी में जो ज़ियाउल क़ुलूब थी उसके हवाले देने के बजाय, उसकी इबारत पढ़ने के बजाय उर्दू तर्जुमा पता नहीं किसने किया, अता पता नहीं, उसमें उस शख्स ने तर्जुमा करने वाले ने यानी अल्लाह इजाफी लिख दिया है, उसकी बुनियाद पर अपनी एक रेत की इमारत खड़ी की, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके सामने वजाहतन पेश कर दी कि इन्होंने किस तरह से धोखा देने की कोशिश की है और क्या इन्होंने साफ झूठ बोला है। आप एक मरतबा फिर सोच लें कि इन्होंने साफ झूठ क्या बोला है। वो झूठ ये है कि हाजी इमदादुल्ला मक्की रहमतुल्लाह ने यानी अल्लाह जो है ये उन्होंने लिखा है, ये इनका सरासर झूठ था। आप स्क्रीन देखेंगे जहाँ पर मैंने फारसी की इबारत पेश की थी, मशगूल शब्द बेजिक्र गर्दद, इसमें कहीं पे भी यानी अल्लाह नहीं लिखा हुआ है। शामीन कराम, ये इनका शगुफा और शोशा हमेशा होता है ताकि देवबंद वालों पर ये तासुब भरा एतराज़ कर सकें। हमने इस वजह से सराहत की है कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम और एतराज़ देवबंद वालों पे करते हैं ताकि भोली भाली आवाम धोखे में आ सके। आगे तफसील आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें तसल्ली बख्श तफसीलन जवाब दिया गया है विद स्कैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस वीडियो का मुकम्मल जवाब नहीं हुआ, इसके आगे एक और एक जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है सुहास भाई ने, वो वीडियो आप मुकम्मल देखिए, इंशाअल्लाह आपको उसमें स्कैन के साथ तमाम जवाब मिल जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वीडियो ज़रूर देखें। याद रहे कुलियात इमदादिया फ़ारसी ज़ुबान में है। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के हवाले से तो असल किताब दिखाना चाहिए था गैर मुक़लिद उमर सिद्दीक़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामीन और नाज़रीन किराम, ये बुस्तानुल आरफीन का स्कैन पेज है। उमर सिद्दीक़ की वीडियो क्लिप झूठ और फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं लेकिन मुहद्दिसीन के उसूल को नहीं मानते हैं। इस सिलसिले में उसूल व ज़वाबित हैं। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अउलिया अल्लाह के अफ़ाल की तावील करना वाजिब है। बुस्तानुल आरफीन सफ़ा नंबर 373 का स्कैन पेज मुलाहिज़ा फरमाएं। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वकुल्लु शैइन राइतहु मिन आज़ नौई مما يتوهم من لا تحقيق عنده انه مخالف ليس بمخالف بل يجب تاويل افعال اولياء الله تعالى। जिसका तर्जुमा है और अर वो चीज़ जो इस तरह की आप देखें जिससे वहम होता हो उस शख्स को जिसके पास तहकीक नहीं है उसकी मुखालफत की, यानी आया वो शरीयत के मुखालिफ है भी कि नहीं। हालांकि वो मुखालिफ नहीं होती है बल्कि औलिया अल्लाह के अफ़ाल के उनके कामों की तावील करना वाजिब है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम नहवी रहमतुल्लाह अलैह 8वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस। सूफिया के हवाले से ये उसूल ज़ेन नशीन रहे और आजी शाह इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सूफी वली कामिल थे। अब हम उमर सिद्दीक के झूठ का तफसीली जायज़ा लेते हैं। सामीन कराम और नाजरीन कराम, याद रहे कि कुलियात इमदादिया फ़ारसी ज़बान में है। आप कोई नतीजा कोई अकीदा कशीद कर रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तो उनकी असल किताब से दिखाना चाहिए। यह ज़ियाउल क़ुलूब का फ़ारसी स्कैन पेज है।
इसकी इबारत फ़ारसी की मैं पढ़ देता हूँ, समात फरमाइए। हरफ हौ के दर लफ्ज़ अल्लाह औस्त, इशारत बिज़ात अस्त। बस सालिक रो बायत के चिरौन ब ज़िक्र इसमें ज़ैत मशगूल शवत, कि अलिफ फ़लाम दर अल्लाह अस नीज नफ़ी शवत, जुज हुच नमानत। अगर सालिक ब इन मरतब रसायत खुद ज़िक्र गर्दत, व अज मरतब रू तरक्की नमूद ब मरतब सर रसीद बाशद। बाज बिज़िक्र हु चिरौन मशगूल शवत, के खुद बिज़िक्र गर्दत, व फना दर फना इबारत अज इन अस्त। वगर बा इन मरतबा भी रसत, भी मकाम भी अस्महू व भी अबसरू रसत, व खुद नूर गर्दत। इसका लफ्जी तर्जुमा यूँ है, हरफ हा जो अल्लाह में है वो इशारा है ज़ात का। बस सालिक को चाहिए कि इस कदर इसमें ज़ात के ज़िक्र में मशगूल हो जाए कि अलिफ फ़लाम जो अल्लाह में है नीज नफ़ी हो जाए, जुज हु के अलावा कुछ न दिखाई दे। अगर सालिक इस मरतबे तक पहुँच जाए, खुद ज़िक्र हो जाए और इस मरतबे से रूह तरक्की करती दिखाई देगी, जब मरतबे सर तक पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़िक्र हू में इतना मशगूल हो जाए कि खुद ज़िक्र हो जाए, और फना दर फना यही इबारत है। और अगर इस मरतबे तक पहुंच जाए, बे मकाम भी असमहू व भी अबसरू तक पहुंच कर खुद नूर हो जाए। अब हम ज़ियाउल क़ुलूब के सफ़ा नंबर 10 पर वापस लौटते हैं। ये फ़ारसी का जुमला जो हम पेश कर रहे हैं, बेज़िक्र हु चिरौन मशगूल शवत, के खुद बेज़िक्र गर्दत, व फना दर फना इबारत अज इन अस्त, यानी ज़िक्र हु में इतना मशगूल हो जाए कि खुद ज़िक्र हो जाए और फना दर फना यही इबारत है। दोबारा से समात फरमाएं। बेज़िक्र हु चिरौन मशगूल शवत, के खुद बेज़िक्र गर्दत, व फना दर फना इबारत अज इन अस्त, ज़िक्र हु में इतना मशगूल हो जाए कि खुद ज़िक्र हो जाए और फना दर फना यही इबारत है। इस पूरे इबारत के अंदर उमर सिद्दीक दिखा दें कि कहाँ ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। उमर सिद्दीक ने जो दावा किया है कि खुद मस्कूर यानी अल्लाह हो जाए, जो ब्रैकेट में अल्फाज हैं, आजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहिब के ही लिखे हुए हैं। तो सामीन इकराम, यहाँ पे कोई ब्रैकेट दिखाएं, मुझे तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। अब उमर सिद्दीक इस फारसी जुमले में बताएं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इस पूरे इबारत में बताएं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ये उमर सिद्दीक की खयानत और झूठ है, और इस किस्म की कोई भी बात आजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं लिखी है। जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आजी साहब की किताब ज़ियाउल क़ुलूब जो फारसी ज़बान में इससे साबित कर दिया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो क्लिप उमर सिद्दीक के झूठ फ्रेब धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये उमर सिद्दीक का बोग्ज़ अकाबरीन ने देवबंद से। अल्लाह पाक ऐसे तासुब से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। ज़ियाउल क़ुलूब के सफ़ा नंबर 10 पे आजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इसी इबारत में फ़ना दर फना के तहत सही बुखारी की हदीस नंबर 6502, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, समअ الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها, यानी मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसका हांक बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये पेश किया, और यही बात फतावा अहले हदीस जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 153 पे हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी, जो बहुत बड़े एल हदीस आलम है, वो वहदतुल वजूद को सही मान कर लिखते हैं और सही बुखारी की हदीस नंबर 50 से इस्तदलाल भी करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 50, अन तअबुदुल्लाह कअन्नक तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, जिसका तर्जुमा यूँ है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया तू उसको देख रहा है, बस अगर तू ना देखे तो वह तुझे देख रहा है। और इस स्कैन पेज के अंदर देखें, मज़ीद लिखते हैं, ये आलत चौंक अक्सर तौर पर रियाजत और मुजाहदे से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए यह अकल से समझने की शय नहीं। हाँ, उसकी मिसाल आशिक और माशूक से दी जाती है। आशिक जिस पर माशूक का तख़य्युल इतना गालिब होता है कि तमाम अशिया उसकी नज़र में कल आदम होती हैं, अगर दूसरी शय का नक्शा उसके सामने आता है तो महबूब का ख्याल उसके देखने से हिजाब हो जाता है, गोया कि हर जगह उसको महबूब ही महबूब नज़र आता है। ख़ास कर खुदा की ज़ात से किसी को इश्क हो जाए तो चौंक के तमाम अशिया उसके आसार और सफ़ात का मज़हर हैं, इसलिए खुदाई आशिक पर इस हालत का ज़्यादा असर होता है, यहाँ तक कि हर शय से उसको खुदा नज़र आता है। नाज़रीन कराम और सामईन कराम, देखिए, हर शय से उसको खुदा नज़र आता है।
वो शे नज़र नहीं आती जिससे शीशे के देखने के वक्त चेहरे पर नज़र पड़ती है, ना कि शीशे पर। बिल्कुल यही बात अहले हदीस आलिम की किताब से, ये हाफिज़ अब्दुल्ला अरोपड़ी साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब से। शमाए में इमदादिया है जिसमें हाजी साहब के हालात व मलफूजात हैं। हाजी इमदादुल्ला महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह शमाए में इमदादिया के सफ़ा नंबर 63 पे किताब ज़ियाउल कुलूब और वहदतुल वजूद और अपनी तहरीरों के हवाले से मिसालें देकर समझाते हैं कि अगर नाबीना ख्वाब में सांप देखे तो उसके बयान करने से आजिज़ होकर यही कहेगा कि मेरी कलाई की तरह था, और उसी हालत में उसको रस्सी दिखाकर पूछा जाएगा क्या ऐसा था, वो कहेगा हाँ। इसे तमसीलात के ज़रिए से समझाना कहते हैं। इसी तरह से पहले लोगों की तहरीरातें वास्ते आगाही के पास आइंदगान के ताकि फैज़ बरकरार रहे और वक्त हाजत रफ़ा शकूक हो जावे, जो इसरार के सीना ब सीना चले आते थे लिखना मुनासिब समझा और हकीकत हाल फर्राक की। और आजी साहब ने कहा कि हम वो लोग हैं कि नाहल को हमारी किताब का देखना हराम है। सफ़ा नंबर 64 में फरमाते हैं, जिस वक्त की नज़र सालिक की तकयुदा तो हस्ती मासवा से उठ गई, सो खुदा के और कुछ नज़र नहीं आता, बेखबर हो जाता है, बल्कि इस मायने का शहूर भी जाता रहता है, सब खुदा ही खुदा नज़र आता है, हु कहने का क्या जिक्र, अना कहने लगता है, इसको मरतबा फना दर फना कहते हैं। सफ़ा नंबर 65 पे हालत फना की मिसाल देते हुए फरमाते हैं, उस लोहे के टुकड़े के कि आग में सुर्ख होकर पुकार उठा कि मैं आग हूँ, उसके इस कौल से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन फिलवाके आग नहीं हुआ, बल्कि एक हालत उस लोहे पर आरज़ हो गई है, वरना लोहा लोहा है और आग आग। ये एक शमा हकीकत है वहदतुल वजूद का। आजी साहब ने यहाँ पे खुद बता दिया कि एक आर्जी कैफियत है, ना कि कोई अकीदा है, और बाकायदा इसके ज़रिए से लोहे के ज़रिए से मिसाल देकर समझाया कि लोहे को जब हम आग में तपाते हैं तो वो लोहा आग दिखता है, जबकि वो आग नहीं होता, बल्कि कुछ अरसे के बाद वो उसकी कैफियत, वो हालत जो उस पर आरज़ हो गई है, वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो लोहा लोहा ही रहता है। ये वहदतुल वजूद की एक मिसाल थी और एक हकीकत थी जो आजी साहब ने बयान फरमाई। ये मरकूमात इमदादिया जो आजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खतूत और आशिया उनके शागिर्द ख़ास मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसके सफ़ा नंबर 415 पे आजी साहब एक ख़त में लिखते हैं, किताब ज़ियाउल कुलूब मुर्शिद कामिल अस्त आ रहा मुर्शिद कामिल दानिस्ताए हर्ज जान खुद सैज़न, व अगर कदाम जा न फहम नहायत बज़रिया ख़ुद अजमन या एज़ मौलवियन दरियाफ़ नमायद, व मुदाम एज़ खैर व खैरियत ख़ुद में नविसन बहशद। यानी किताब ज़ियाउल कुलूब कामिल मुर्शिद है, इसको मुर्शिद जान कर अपनी जान से अज़ीज़ बनाए, और अगर किसी जगह समझ में ना आए तो बज़रिया ख़त मुझसे या मौलवियन से दरियाफ़त करें और हमेशा अपनी खैरियत की खबर लिखते रहें। हाशिए में मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यही अदब और किताब के मुताले का, खुसूसन कुतुब तसव्वुफ का, और ये भी उसके लिए है जिसको काफ़ी मुनासिबत हो, वरना ख़ुद मुताला ममनू है बदून वास्ते उस्ताद के। और आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हक़ और सच समझने की तौफीक अता फ़रमाए और सलफ़ सालिहीन से बदगुमानी से बचाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नानात वी कलश कर सिद्का वफा का पे कर।